आज मैं हूँ पंजाबी बाग के श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में, तो वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, एंड तक देखो। यहाँ से हो जाती है हमारी एंट्री स्टार्ट, और ये बीच में किताबों वाला सीन था जो उनके बहुत सारे तीर लगे हुए थे। मेन्यू चक्र वाला सीन था महाभारत का। और ये वाला सीन था जो अभिमन्यु मछली की आंख में तीर मारता है। ये द्रौपदी का चीरहरण वाला सीन था। और ये वाला सीन था जब श्री कृष्ण चरण आंसुओं से धुलाते सुदामा जी के, वो वाला सीन था ये। और ये वाला सीन था नरसिंह भगवान जो हिरण्यकश्यप को मार रहे होते अपने हाथों से, वो वाला सीन दर्शाया गया है। और ये कृष्ण जी राधा जी के साथ होते हैं तब वाला सीन है। ये वाला सीन है जब समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी ने विष पिया था, वो वाला सीन दर्शाया गया है। ये निधिवन में जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचा रहे होते हैं, जितने कृष्ण उतने गोपियां, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, वो वाला सीन दर्शाया गया। ये जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा दिया था, वो वाला दृश्य है ये। ये पूतना नाम की राक्षसनी थी जिनका वध किया था श्री कृष्ण ने, वो वाला दृश्य है। ये श्री कृष्ण जी जब कालिया नाग पे थे, वो वाला दृश्य था ये। ये जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उनको ले जाते हुए था, और एंड में ये दो कृष्ण लला थे जिनको हाथ से झूले झुलाया जा रहा था, एक वो थे एक ये थे। और उसके आगे बढ़ने के बाद ये केटर्स लगे हुए थे जहाँ पे खाने का सामान था, खाना पीना आप खा सकते हैं, बाकी पूरा मेला लगा हुआ था अंदर। तो रोशनी के टाइम ही गया था मैं, बाद में धीरे धीरे अंधेरा हुआ था तो और प्यार लग रहा था। ये मिक्की माउस वाला झूला था जहाँ पे बच्चे झूल रहे थे, और आप भी फन कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे खिलौने वगैरह भी थे, पूरी मार्केट लगी हुई थी एक तरीके से। मैं फर्स्ट टाइम गया था लेकिन बहुत ही प्यारा था ये। ये था ये जो झूले थे, 50 रुपये पर पर्सन थे। और जितने भी यहाँ पे बड़े झूले लगे हुए थे उन सबके 100 रुपीस पर पर्सन था। ये वाली जो नाव वाला भी था झूला, ये वाला ही 50 रुपये पर पर्सन था। ये भी 50 रुपये पर पर्सन था, उछलने के लिए था बस सिर्फ। ये बच्चों के लिए 50 रुपये था और ये एडल्ट के लिए 100 रुपीस था। ये जितने भी सारे बड़े झूले थे सारे 100 रुपीस पर पर्सन थे। ये देखना भाई, अब ये बच्चा क्या करेगा। ये ओरियो बिस्कुट था और इसमें से धुआं निकलता है मुंह में डालते ही। अभी देखो ये इसके मुंह में डालेगा और वो करके दिखाएगा। ये देखो, तो बस यही फन वगैरह था। मेला बहुत प्यारा लगा हुआ था, पहली बार गया था मैं तो वाकई बहुत प्यार लगा हुआ था। काफ़ी बड़े बड़े झूले वगैरह थे, काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा था इनने। ये दिन के टाइम की लाइटिंग है, बाद में अंधेरा हो गया था धीरे धीरे, तो ये लाइटिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी।
फिर हमने भी सोचा कि सेल्फी किंग बन जाए, थोड़ी सेल्फी हमने भी ले ली। और उसके बाद ये झूले, इन बड़े बड़े झूलों में तो आज तक मैं डर के मारे नहीं बैठा। आप कमेंट में बताइए आप आज तक डर की वजह से बैठे या नहीं बैठे। और ये नाइट शो था, 100 रुपये पर पर्सन की टिकट थी और अंदर जा सकते थे, हॉरर शो था अंदर सारा। धीरे धीरे शाम ढलने के बाद व्यू और अच्छा आ रहा था इसमें। देखिए कितना प्यारा लग रहा, मतलब बहुत प्यारा था जन्माष्टमी का मेला ये। चारों तरफ लाइटिंग थी, एंट्री फ्री थी मेन बात तो इसकी। और बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका पार्किंग वगैरह का भी क्या सीन था। ये नाइट व्यू में देखिए, नाइट व्यू में सब सारे झूलों की लाइट जल जाती है। जिस टाइम मैं गया था तो उजाला और था, उस टाइम एक की भी लाइट नहीं जली थी। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे स्टेज शो होने वाला था, झांकियाँ वगैरह यहाँ आने वाली थी, मगर बहुत टाइम लगता है तो हम वक्त से पहले ही चले गए थे वहाँ से। और फिर बाहर निकलने के बाद ये श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए थे महाभारत के टाइम में अर्जुन के साथ, तो ये वो वाला बाहर सेटअप था। कितनी प्यारी लाइटिंग कर रखी है इनने, सेल्फी वगैरह सब ले रहे थे, रील वगैरह अपलोड करने के लिए। यहाँ पे ये पूरी पार्किंग बना रखी थी, बाद में यहाँ पे कार वगैरह आप अपनी पार्क कर सकते थे। और एक ये कुछ जो जोकर वाला भी सीन आगे जा कर के बना था, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइटिंग कर रखी है, बाहर के लिए था मेन व्यू। एंट्री करते वक्त ये सबसे पहले आपको दिखता है। ये वाले जोकर की बात मैं कर रहा था उस टाइम, ये वाले जोकर की पूरी लाइटिंग वगैरह से इन लोगों ने बना रखा था। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो आप भी जाओ एंजॉय करो वहाँ पे जाके, बहुत ही प्यारा मेला है जन्माष्टमी के लिए, इससे बढ़िया मेला कहीं नहीं हो सकता। दोस्तों यहीं पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना। मिलते हैं तब तक अगले ब्लॉग।